अब मान लो किसी के पास एक ही किडनी है काम करने वाली, somebody has a single functioning kidney, और somebody has two kidneys. अब बीमारी तो कभी भी आ सकती है. तो कैन यू जस्ट डिस्क्राइब फॉर अस, हम साइंस में पढ़ते हैं सम डिजीजेज आर अक्यूट, जो अचानक आती हैं, लाइक अक्यूट किडनी इंजरी, एंड सम डिजीज आर क्रॉनिक, जो धीरे धीरे बिल्कुल अंदर से दीमक की तरह हमें खाती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज. तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस? अच्छा, ऐसा है, एक्यूट मतलब जैसे डॉक्टर संजय ने ऑलरेडी बताया कि एक्यूट को हम टेम्पररी बोलते हैं, एकदम से आती हैं और चली जाती हैं, वो अच्छी बातें चली जाती हैं. तो एक्यूट जैसे आप खुद सोच सकते हो, एक्यूट किडनी क्यों होएगा, एक्यूट किडनी क्यों होता है. अब समझो कोई इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया या डेंगी फीवर हो गया. सो मलेरिया डेंगी फीवर में अब वो इन्फेक्शन की वजह से, कई बार ब्लड लॉस की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से किडनी को ब्लड जाना कम हो जाता है, उसकी वजह से एकदम किडनी फेलियर आता है. और जैसे ही आपने ट्रीटमेंट कर दिया, डेंगी का ट्रीटमेंट कर दिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, एंटी मलेरियल मेडिसिन दी, अगर पेशेंट का बीपी वीपी ठीक कर दिया, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है. इसको एक्यूट कहते हैं. ऐसा एक्यूट काफ़ी कॉमन है अपने कंट्री में. क्यों कॉमन है? क्योंकि अपनी कंट्री बहुत हॉट कंट्री है और यहाँ डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है. तो एक्यूट किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कॉज डिहाइड्रेशन है. अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मोशंस होते हैं लोगों को, तो अगर बराबर पानी नहीं पीते हैं या ओआरएस नहीं पीते हैं या टाइम पे अगर बीपी लो है तो एडमिट होके सलाइन नहीं चढ़ाते हैं, तो वो केसेस में किडनी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है और एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है. सो एक्यूट किडनी फेलियर का कारण जनरली डिहाइड्रेशन है एक मेन कारण. दूसरा कारण इन्फेक्शन है, जैसे अपने कंट्री में मलेरिया है और डेंगी फीवर है, लेप्टोस्पायरा है, और इम्पॉर्टेंट कॉज स्नेक बाइट है. स्नेक सांप के काटने से भी किडनी फेल हो जाती है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज उल्टी सीधी गोलियां खाना. आप बोलोगे कौन सी उल्टी सीधी गोलियां? पेन किलर्स. पेन किलर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर, एकदम किडनी फेल हो जाती है. अब ऐसा है सबको नहीं होता है, ये अपनी तकदीर है. किसी को एक गोली से हो जाता है, किसी को ज्यादा डोज खाने से हो जाता है, तो थोड़े पेन किलर सेफ नहीं रहते हैं किडनी के लिए, तो उसकी वजह से भी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है. और एक इंपॉर्टेंट कॉज है एक्यूट किडनी फेलियर का अपने कंट्री में, स्टोन्स. अगर दोनों तरफ स्टोन्स आ जाएं, किडनी से पाइप्स जाते हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं, तो अगर दोनों तरफ स्टोन्स आ जाएं और थोड़े बड़े बड़े स्टोन्स आ जाएं और पाइप ब्लॉक हो गया, तो एकदम एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है. एक्यूट की अच्छी बात यह है कि काफ़ी हद तक पूरी रिकवरी हो सकती है, रिकवरी पॉसिबल है. अगर जल्दी आइडेंटिफाई करें और जल्दी ट्रीट करें तो एक्यूट किडनी फेलियर कम हो जाता है. आप लोगों को, काफी लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, कई बार एंजियोग्राम के लिए कॉन्ट्रास्ट देते हैं, डाई देते हैं एंजियोग्राम करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, तो उससे भी एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है. तो इसी के लिए अपने को काफी केयरफुल रहना चाहिए कोई भी मेडिसिन लेने के पहले. आओ ओवर द काउंटर, ये इंडिया में ही होता है, अपने दुकान में गए, पेन किलर मांगा, दे दिया और खा लिया और किडनी फेलियर हो गया. सो ये काफी कॉमन है इंडिया में. दूसरी चीज आपने पूछी, अच्छा एक्यूट किडनी फेलियर कैसे मालूम होता है? कई बार पेशाब बंद हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एकदम स्पेस पे पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है और उल्टियाँ होने लगती है, तो दम चढ़ने लगता है. अब क्या होता है, किडनी फेलियर के सिम्टम्स ऐसे हैं कि कई बार पता नहीं चलते, दम चढ़ता है, पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है. अब कई बार उल्टियाँ होती है, पेशेंट पेट के डॉक्टर के पास घूमता रहता है, तो समझते नहीं है, क्योंकि किडनी फेलियर में यूरिन बंद हो गया, इमीडिएटली डॉक्टर किडनी डॉक्टर के पेशेंट किडनी डॉक्टर के पास जाता है. बट काफी केसेस में 50% में आपको सरप्राइज होगा कि किडनी फेलियर में यूरिन ही बंद नहीं होता, यूरिन आते रहता है. कई लोगों को यूरिन ज्यादा आता है, चार चार बार आता है, रात में भी आता है, वो केसेस में भी किडनी फेलियर हो सकता है. तो आप पूछोगे फिर किडनी फेलियर का पता कैसे चलेगा? तो कब भी कोई डाउट है, उल्टी हो रही है, पेशेंट की तबियत ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ इन्फेक्शन है, तो सिंपल टेस्ट है, क्रिएटिनिन चेक कराओ. क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट है, ₹50 में हो जाता है. तो क्रिएटिनिन से मालूम हो जाता है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है. क्रिएटिनिन कुछ नहीं है, जहर का नाम है, जो बॉडी अपने जहर निकालती है यूरिन के द्वारा. सो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो किडनी फेलियर. सो ज्यादातर पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं पेशाब बंद हो जाने से. कई केसेस में पेशाब बंद नहीं होती, उल्टी होती है, दम चढ़ता है, फिर काफी दिन के बाद क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है और तब पता चलता है कि ये किडनी फेलियर था.